भारत के राजनीतिक इतिहास में कल एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे जहां से 80 लोकसभा सांसद बनकर के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसमें 73 सांसद जहां से हैं, वहां बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आयोजित किया था और समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव उनको आमंत्रित किया था। हालांकि ये दोनों दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मायावती इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य लीडर की भूमिका में थी। अखिलेश ने चूंकि इसका संकेत भी दिया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बाद में कहा भी कि मेरा अपमान मायावती जी का अपमान मेरा अपमान है और मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों दल अब आगामी जो लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ा जा रहा है मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मिलकर के चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि दोनों 38-38 सीटों पर लड़ेंगे। एक दो दल और भी कोई इनके साथ आ सकता है, वो छोटा दल हो सकता है, हालांकि उसको जो सीटें दी जाएंगी वो अखिलेश यादव जी अपनी तरफ से देने की बात कह रहे हैं, तो वो उनके कोटे से दी जाएंगी। फाइनली ये तय है कि ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट किया कि ये जो गठबंधन है ये दो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दबे कुचलों का और छोटे व्यापारियों का और उन सब लोगों का गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिनको लगातार उनको परेशान किया है, उनको डिस्टर्ब किया है, उनके रोजगार को डिस्टर्ब किया है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या दूसरे कारण हो, तो एक तरह से समझे तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम ये गठबंधन बना रहे हैं, ये एक संकेत था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोगों के बीच गए, उनसे बात की कि बताइए आपको ये जो परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में हुआ था जहां मायावती जी पर हमला किया गया था और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग उसमें शामिल थे, कुछ लोग क्या पूरी समाजवादी पार्टी के लोग उसमें थे। उस समय गठबंधन से सरकार चल रही थी, मुलायम सिंह यादव और मायावती जी दोनों ही गठबंधन सरकार चल रही थी, लेकिन वो उसके बाद टूट गई थी बात, वो बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो मायावती जी ने स्पष्ट किया कि मैं देश हित में, राष्ट्र हित में उस गेस्ट हाउस कांड की घटना को भी भुला देना चाहती हूँ, मैं उसको भी भुला रही हूँ, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश जो है अब इस तरह का कोई फैसला ले जिसमें सभी सेकुलर दल सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ होकर इकट्ठा होकर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अब जब लोगों से बात की, तो आप जब लोगों से बीच जाते हैं, सुनते हैं उनको, तो उनको भी जो व्यापारी नहीं है, मजदूर तबका है वो भी, या जो स्टूडेंट्स है वो भी, या जो टीचर्स है वो भी, या दूसरे लोग जो सियासत में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो वो खासतौर पर दलित, मुस्लिम और ओबीसी, आप जिसको कह रहे हैं क्योंकि अपर कास्ट को भी आरक्षण मिला है, तो ओबीसी में बहुत नाराज गए इस बात के लेकर के, वो बहुत खुश हैं इस गठबंधन से। उनको लगता है कि ये गठबंधन आने से उनका जो कॉन्फिडेंस का एक लेवल डाउन चला गया था और लोगों में अलग तरह का एक एहसास कमतरी की भावना आ गई थी। तो गठबंधन की खबर मार्केट में आने के बाद ही, यानी जैसे ही फील्ड में ये खबर आई कि गठबंधन कर रहे हैं, 4 जनवरी को ये खबर पहले आई थी, उसके बाद से धीरे धीरे आत्मविश्वास का संचार होना शुरू हुआ और कल जब फाइनली बसपा सुप्रीमो मायावती जी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठकर के ये बता दिया कि हमने गठबंधन कर लिया है, 38-38 सीटों पर दोनों लोग लड़ेंगे, तो फाइनली जैसे ही इसका ऐलान हुआ उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के लोगों का और बहुजन समाज पार्टी के लोगों का बूस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। उनका अंदर उनके एहसास कमतरी की जो भावना थी वो टूटनी शुरू हो गई है और अंदर से उनको फील होने लगा है कि हम अब हमको या तो वो शासन को, आप समझ लीजिए इतना ज्यादा वो शासन से डरे हुए हैं, या उस शासन को, जो शासन चल रहा है उससे इतना ज्यादा नाराज है कि उनको जैसे ही ये सिग्नल मिला है कि ये सिग्नल जो है सरकार बदलने में शामिल कर सकता है कि ये सरकार बदली जाए, तो उन्हें अंदर से फील आने लगा है कि ये बहुत बढ़िया हुआ है। उनके चेहरे पर उत्साह ये पढ़ा जा सकता है, उनकी खुशी ये पढ़ी जा सकती है।